बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्पेन के बारे में कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने पूछा कि वहां का वेजेस सैलरी रेट क्या है। वेजेस सैलरी रेट असल में होता क्या है? वेजेस सैलरी रेट वो होता है कि किसी भी मुल्क में इससे कम आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जर्मनी में 9.5 यूरो है तो उससे कम अगर की एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को तनख्वाह देगा तो कानूनी तौर पर वो जुर्म करेगा, उसकी उसको सजा मिल सकती है अगर वो पकड़ा जाता है। इसी तरह किसी भी मुल्क में मिनिमम वेजेस सैलरी का मतलब यही होता है कि उससे कम आप सैलरी नहीं दे सकते। अगर कोई आपको मजबूर करता है तो उसके अगेंस्ट आप कार्रवाई करवा सकते हैं, लेकिन पेपर सबूत के साथ, जबानी प्रूफ या सबूत के बगैर के साथ कुछ भी नहीं होता बगैर डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ के। तो यहां पर आज जो मैं बात करूंगा वह स्पेन का पर आवर सैलरी रेट। स्पेन में मिनिमम जो 1 घंटे का रेट चल रहा है वर्कर के काम का वो है 7.5 यूरो। 7.5 यूरो से नीचे आपका एम्प्लॉयर आपको तनख्वाह नहीं दे सकता। आप किसी भी क्लास का काम करते हैं उसमें आपको जितने वेजेस मिलते हैं वो 7.5 यूरो से नीचे नहीं हो सकते। अगर 7.5 यूरो से नीचे आपको वेजेस की देता है तो वो कानून की खिलाफ वर्जी करता है। इसी तरह अगर आप बात करें नेक्स्ट लेवल के ऑक्यूपेशंस की, ऐसे ऑक्यूपेशंस जहां पे जो है वो प्रोफेशन में आते हैं, उनकी सैलरी का जो पर आवर रेट है वो बढ़ सकता है। यानी कि मिनिमम जो है वो 7.50 यानी 7.5 यूरो से नीचे नहीं हो सकता। मैक्सिमम फिर ऑक्यूपेशंस के मुताबिक, प्रोफेशंस के मुताबिक मैक्सिमम आप एम्प्लॉयर जो है आपको कितनी मर्जी दे सकता है और आप कितनी मर्जी डिमांड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी स्पेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।